हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जोधपुर का फेमस प्याज की कचौड़ी। ये बहुत ही खास्ता और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हींग। ये मैंने अजवाइन लिया है, इसको क्रश करके डालेंगे तो इससे खुशबू अच्छी आती है। ये सौंफ है, इसको भी क्रश करके डाल लेंगे। मैंने आधा चम्मच ऑयल लिया है और आधा चम्मच घी। इन दोनों को मिक्स करने से कचौड़ियों का टेस्ट काफ़ी अच्छा बनता है। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल का या सिर्फ घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जाड़े के दिन में बना रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, और गर्मी के दिन में बना रहे हैं तो घी का। इन सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बांधने पर बन जाता है। मैंने इसे 3-4 मिनट तक मैश किया था। अब मैंने 1 कप पानी लिया है, और ये 3 कप मैदे के साथ 1 कप पूरा पानी चला जाता है। इस माप से आप अगर आप बनाएंगे तो हमारा जो डो है वो एकदम परफेक्ट रेडी होगा। आप मेजरमेंट कप के जगह पे कोई दूसरा कटोरी भी यूज कर सकते हैं। ये प्याज की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल लिया है, और इसमें 1 चम्मच मैंने धनिया क्रश करके डाल दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाला है। इन सबको अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अभी मैंने 2 हरा मिर्च काट के डाला है। इन सबको 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। फिलिंग बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा तेल ना डालें, एकदम बहुत थोड़ा तेल डाल के सबको फ्राई करें। यहाँ पर मैंने 4 प्याज काट के रखा है। इन सबको डाल के और अच्छे से 4-5 मिनट तक भुनेंगे। प्याज की कचौड़ी में हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है, और इसको भून के थोड़ा सा और इनमें मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो तेल में फ़ौरन के साथ भी हींग डाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि हींग जलना नहीं चाहिए। प्याज लगभग 80% पक चुका है। अब यहाँ पे हम लोग मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने लिया है तो 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर हम लोग टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है। इसको मिक्स करके 1 मिनट तक भून लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बेसन। एक कचौड़ी का सीक्रेट है, बेसन डालने से टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, वो बेसन सोख लेता है। बेसन डालकर इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जिससे हमारा बेसन अच्छे से पक जाए। ध्यान रखें कि बेसन कच्चा ना रहे। ये फिलिंग भूनते समय मैंने अपने फ्लेम को लो रखा है। अभी मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको तोड़कर मैं इसमें डाल लूँगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच चाट मसाला का यूज किया है। चाट मसाला कभी भी पहले ना डालें, नहीं तो फिलिंग कड़वा हो जाता है। आप चाहें तो चाट मसाला की जगह पे आमचूर या फिर नींबू का यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में रख लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये हमारा डो भी लगभग 20 मिनट तक रेस्ट कर चुका है। हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डो रेडी है। डो में बहुत ही लचीलापन होना चाहिए, जैसे ये है। इनको तोड़ के मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। फिलिंग से भी मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगी ताकि हमें भरने में आसानी हो जाए और एक बराबर सब में फिलिंग जाए। इतना फिलिंग एक कचौड़ी के लिए बहुत है। पेड़े को अंगूठे की सहायता से बीच से दबा देंगे, और ऐसे फीलिंग रख के फिर अंगूठे से दबा दबा के चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। आपका अगर एक्स्ट्रा आटा ऊपर आता है तो आप उसको तोड़ सकते हैं। मेरे में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे ही बंद कर दे रही हूँ। ऐसे मैंने 5-6 बना लिए हैं,
इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे उंगलियों की सहायता से, इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया था। तेल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर ले, फिर लो पे रख दें, फिर कचौड़ियाँ डालें। कचौड़ियों को कभी भी मीडियम पे ना पकाएं ना हाई फ्लेम पे, हमारी कचौड़ियाँ ना खस्ता होगी और ना पकेगी, वो कच्ची रह जाएगी। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारी कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता भी बनेंगी और काफ़ी अच्छे से पक भी जाएगी। बीच बीच में कचौड़ियों को ऐसे हिलाते रहेंगे। कचौड़ियाँ एक तरफ से थोड़ी सी पक गई है, फिर इसको हम लोग पलट देंगे। अभी आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ फूलने भी लगी हैं। पलटने के बाद और भी ज़्यादा फूलते हैं। कचौड़ियाँ दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गई हैं तो मैं इनको पलट दूँगी। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं और ये कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता भी बनती हैं। ये आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फूली हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको बनने में लगभग 15-16 मिनट लगे हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी टिशू पेपर के ऊपर, जिससे हमारा जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो टिशू पेपर ले लेगा। और मैं दूसरा पेस्ट डाल के उसको भी अच्छे से तल लूँगी। ध्यान रखें कि यहाँ पे तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है तो उसको जल्दी जल्दी पलटें। अभी हमारा ये भी बैच रेडी हो चुका है। अब देखिए सारे कचौड़ियाँ एकदम बढ़िया से फूल फूल के निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी खास्ता कचौड़ी रेडी है।